हेलो एंड वेलकम टू माय किचन रितुस कलरी आर्ट्स। तो आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंकी मसाला। ये सारे मसाले हमेशा हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे गरम मसाला, यह घर का ही पिसा हुआ गरम मसाला है, इसे भी ले लेते हैं आधा छोटा चम्मच। साथ ही जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी, इसे मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच। साथ ही जाएगा धनिया पाउडर, इसे हम ले लेंगे एक छोटा चम्मच। फिर जाएगा इसमें अमचूर पाउडर, यदि आपके पास चाट मसाला है तो उसे भी आप ले सकते हैं, आधा बड़ा चम्मच। साथ ही स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, यहाँ मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच नमक, और एक चौथाई छोटा चम्मच जाएगा काली मिर्च पाउडर का। सारी चीजों को एक डब्बे में डालिए, मिक्स कीजिए और कहिए शेक 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 और लीजिए हमारा फ्रेंकी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इस पे आप लेवलिंग कीजिए और इसे आप अपने किचन में बाकी मसालों के साथ में एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक रख सकते हैं और खा सकते हैं जब भी आपका मन करे फ्रेंकी बना के। अच्छा लग रहा है ना देखने में। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी। बाय बाय।